नमस्कार दोस्तों, मैं रवि मैकेनिक। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको अपाची RTR 160 में रियर डिस्पैड डाल के दिखाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं, जो मेरे पास अपाची RTR है दोस्तों, इसका डिस्पैड ख़राब है, तो इस डिस्पैड को हम चेंज कर लेंगे। उसके लिए आप देख सकते हैं, इसमें 10 नंबर का 4 वोल्ट लगा हुआ है। इसको हम ओपन कर लेंगे दोस्तों, इस वोल्ट को। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले इसमें 10 नंबर के वोल्ट को हम ओपन कर लेंगे। और आप देख सकते हैं वो ओपन हो गया, तो बाहर आ गया दोस्तों। और इस डिस्क के ऊपर पर आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक कवर लगा हुआ है, जो कि इसको हम ओपन कर लेंगे दोस्तों। और जो इसका मेन एक्सल नट है, इसको हम दोस्तों ओपन कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसमें नट और बार्सल लगा हुआ है। और इस नट को ओपन करने के बाद एक्सल को दोस्तों हम अंदर को प्रेस कर देंगे, और आप देख सकते हैं जो इसका डिस्क क्लिपर है बाहर आ जाएगा। और डिस्क क्लिपर आप देख सकते हैं बाहर आ गया दोस्तों। और इस डिस्क पैड को निकालने के लिए इसमें आप देख सकते हैं जो क्लिपर है, इसके पेचकस का इसमें वोल्ट लगा हुआ है। इसको हम ओपन कर लेंगे दोस्तों स्क्रू ड्राइवर की मदद से। और देख सकते हैं आप, ओपन हो गया है। इसको ओपन करने के बाद दोस्तों इसमें एल की वोल्ट लगा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं 5 नंबर का एल की वोल्ट है। इस वोल्ट को हम ओपन कर लेंगे दोस्तों, और इसका जो डिस्क पैड है वो बाहर रिमूव हो जाएगा। आप देख सकते हैं डिस्क पैड बाहर आ गया है। और दोस्तों आपको बता दूं, आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं कितना ख़राब है। तो इसमें मैं न्यू डिस्क पैड डालने से पहले दोस्तों जो क्लिपर है इसको हम वॉश कर लेंगे। और आप देख सकते हैं ओपन हो गया है। तो इसको आप जितना डस्ट इसमें देख रहे हैं, तो इस डस्ट को हम साफ़ कर लेंगे दोस्तों, फ्यूल वॉश कर लेंगे इस क्लिपर को। और आप देख सकते हैं क्लीन कर दिया इस क्लिपर को हमने दोस्तों। और आप देख सकते हैं जो इसका ब्रेक कोयल डब्बी है दोस्तों, इसको हम ओपन कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो साइड पैनल है, इसको हम पहले ओपन कर लेंगे। उसके लिए मेरे को सीट भी खोलना पड़ेगा, जो कि आप देख सकते हैं सीट ओपन कर लिया। और जो इसका साइड पैनल है, इसमें जो पेज है पेचकस का, वो इसको हम ओपन कर लेंगे। और आप देख सकते हैं ओपन हो गया। तो जो इसका ब्रेक ऑयल कंटेनर आप देख सकते हैं, इसको हम डब्बी बोल सकते हैं दोस्तों। इसको हम ओपन कर लेंगे। और ओपन करने के बाद दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं ब्रेक ऑयल बहुत कम है दोस्तों। और जब इसको मैं प्रेस करूंगा, तो जो इसमें ब्रेक ऑयल है इसके अंदर आ जाएगा। और आप देख सकते हैं इसका, जब हम प्रेस कर रहे हैं तो इसमें ब्रेक ऑयल आ गया, जो कि आप देख सकते हैं। और आप इस क्लिपर का पिस्टन देख सकते हैं दोस्तों, प्रेस हो गया है। और इसको हम अच्छी तरह से वॉश करके इस क्लिपर को दोस्तों इसकी फिटिंग कर लेंगे कि डिस्क पैड की। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये कंप्लीट है। तो आप इस डिस्क क्लिपर के अंदर जो डिस्क पैड पत्ती है दोस्तों, जो कि ये इसके अंदर हम लगा देंगे क्लिपर के अंदर। और इसको लगाने के बाद इसमें ग्रीस लगा के दोस्तों इसकी फिटिंग कर देंगे हम इस प्लेट के क्लिपर के अंदर। और देख सकते हैं आप, इसकी फिटिंग हो गई। तब इसका जो डिस्क पैड है दोस्तों, इसकी फिटिंग कर लेंगे इस क्लिपर के अंदर। और इसका जो पुराना डिस्क पैड है दोस्तों, आप देख सकते हैं जो इसका स्टील है वो आ गया, इसका लेदर घिस गया है। और न्यू आप डिस्क पैड देख सकते हैं, इसमें कितना सारा डिस्क लेदर है दोस्तों, और जो पुराना है वो बिल्कुल घिस गया है। तो इस डिस्क पैड को समय से जो कि चेंज कराना चाहिए, वो चेंज नहीं कराए, तो इस करके इतना घिस गया है दोस्तों।
और इस डिस्क को हम इसके अंदर इंस्टॉल कर देंगे, और जो कि आप देख सकते हैं इसमें जो डिस्क पैड है दोस्तों, इसके अंदर एल की वोल्ट हम लगा देंगे और ये लॉक हो जाएगा डिस्क पैड। और एल की वोल्ट लगाने के बाद दोस्तों पेचकस का वोल्ट ऊपर से हम लगा देंगे, जो कि आप देख सकते हैं लग गया है। और डिस्क पैड कंप्लीट करने के बाद दोस्तों इस डिस्क पैड को हम फिटिंग कर लेंगे, जो कि आप देख सकते हैं। और इसकी फिटिंग हो गई दोस्तों। इसका मेन व्हील एक्सल नट है, इसको हम लगा लेंगे 22 नंबर का दोस्तों ये नट है, इसको हम टाइट कर लेंगे सेटिंग करने के बाद। चैनी चेक कर ले, कर जा साइड होना। तो दोस्तों इस नट को टाइट करने से पहले पहले मैं इसको चेक कर लूँगा, इसके जो लाइन से बने हुए इस कितने पे है। तो इस साइड से आप देख सकते हैं 4 पे इसकी सेटिंग है, तो इस साइड से मैं उसी पे करके इसकी सेटिंग कर लूँगा, टाइट कर लूँगा इस 22 नंबर नट को। और आप देख सकते हैं इस नट को हमने टाइट कर लिया। टाइट कर लो। और जो इसका क्लिपर प्लास्टिक कवर है दोस्तों, इसको हम लगा लेंगे इसके ऊपर। और इस क्लिपर को हम इसके अंदर बैठा देंगे, आप देख सकते हैं बैठ गया है। और क्लिपर लगाने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं जो मडगार्ड में प्लेट है, इसको हम लगा लेंगे, 4 बोल्ट लगा हुआ इसके अंदर। और इसके जो मडगार्ड का दोस्तों 10 नंबर का बोल्ट है, इसको हम टाइट कर लेंगे 10 नंबर गोटी से। और इसके अंदर दोस्तों अब मैं ब्रेक ऑयल डाल लूँगा, और आप देख सकते हैं जो ब्रेक ऑयल है इसके अंदर लेवल इसका पूरा करके इस जो कैप है इसको हम लगा देंगे। और देख सकते हैं आप इसको लगा लेंगे इस इसके अंदर डब्बी के, जो कि आप देख सकते हैं। और इस कैप को हम टाइट कर लेंगे। और इसका ब्रेक आप देख सकते हैं कंप्लीट है दोस्तों। चल और दोस्तों आप देख सकते हैं कंप्लीट कर दिया हमने अपाची RTR। और दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय शंकर।